जापान मर्चेंट है वो भी आरोपी है। उनके पिता भी यही कह रहे हैं कि पूरी कोशिश रहेगी कल ही और फाइनल ऑर्डर कॉपी को लिया जाए, उनसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। ये पूरा मामला 2 अक्टूबर से शुरू हुआ था। वापस हम आएंगे, दिवाकर लगातार हमारे साथ ऑथर रोड जेल से जुड़े हुए हैं। दिवाकर, आपसे बात करना चाहेंगे कि आखिरकार ये जो ऑर्डर कॉपी है हाई कोर्ट से कब जो है जेल तक पहुंच सकती है और जेल के पास क्या कुछ माहौल है, क्योंकि अब आर्यन खान को जो है बेल मिल गई है। देखिए, ऑर्डर तो आ गया है, जज ने साफ तौर पर कह दिया है कि तीनों आरोपियों को उन्होंने जमानत दे दी है, लेकिन जो फाइनल ऑर्डर है, जो फुल ऑर्डर है, वो जो है कल आएगा। तो मतलब जब ऑर्डर की कॉपी अपलोड हो जाएगी बॉम्बे हाई कोर्ट की वेबसाइट पर, उसके बाद ये कॉपी जो है, जो आर्थर रोड जेल है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये आर्थर रोड जेल है जिसमें इस समय जो है पिछले 21 दिन से आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट जो है वो यहाँ पर बंद हैं। और जब ऑर्डर कॉपी पहुँच जाएगी तो जो जेल की प्रक्रिया होती है छोड़ने की, करीब 2 घंटे का वक्त जो है इसमें लगता है, और उस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद, यानी कुल लीगली ये तमाम चीज़ें हो अगर ठीक रहीं तो दोपहर के बाद दोनों रिहा हो सकते हैं। इसके अलावा मुनमुन ढामेचा जो मुंबई की भाईखला जेल में बंद हैं, वहाँ पर भी उसी तरह का ऑर्डर जो है बॉक्स में डाला जाएगा, उसके बाद जेल प्रशासन उस प्रक्रिया को शुरू करेगा, और प्रक्रिया शुरू करने के बाद करीब 2 घंटे के बाद जो है मुनमुन ढामेचा भी भाईखला जेल से रिहा हो सकती हैं। तो साफ तौर पर अब जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता, फुल ऑर्डर नहीं आ जाता, तब तक जो है इन लोगों को जेल में ही रहना पड़ेगा, यानी आज की रात जो है इन्हें जेल में ही बितानी पड़ेगी। तो ऐसे में देखना अहम है कि कल कितने बजे इनकी रिहाई होती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सब कुछ लीगली ठीक रहा तो दोपहर के बाद हो सकता है कि रिहाई इनकी हो जाए। तो फिर देखना है होगा क्या कल आर्यन खान जो है घर जा पाते हैं, या फिर ऑर्डर आने में अगर देरी होगी तो मुश्किलें उनकी पड़ जाएंगी। देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आपको क्या लगता है एनसीबी ने जो दलीलें पेश की उसमें क्या कुछ रह गया था, कि क्योंकि एनसीबी नहीं चाहती थी कि आर्यन खान को बेल मिले, तो आपको क्या लगता है एनसीबी कहां पर चूक गई? देखिए, चाहे एनसीबी हो या कोई भी सेंट्रल एजेंसी हो, लगातार चाहती है कि जो उसके आरोपी हैं उन्हें जमानत नहीं मिले, और लगातार ये दलील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में दे रहे थे, चाहे सेशन कोर्ट की बात हो या एनडीपीएस की या फिर हाई कोर्ट की, कि अगर आरोपियों को जमानत दी जाती है तो वो सबूतों के साथ टेम्परिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, शाहरुख खान किंग खान के घर की तस्वीरें मन्नत की यहाँ पर देख सकते हैं। मीडिया के अलावा तमाम लोगों का भी यहाँ पर जमावड़ा है, क्योंकि देखिए 2 तारीख को आर्यन खान करीबन 2 बजे अपने घर से अपने दोस्तों के साथ अपनी घर की गाड़ी से निकले थे उस पार्टी में शामिल होने के लिए। उन्हें या किसी को भी शायद ये अंदाजा नहीं था कि उसके बाद वो आज तक अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। कल का दिन काफ़ी अहम है, न केवल आर्यन खान के लिए, शाहरुख खान के लिए, गौरी खान के लिए, कि कल अगर उनकी रिहाई हो जाती है तो क्या इसी मन्नत से एक गाड़ी फिर से निकलेगी शाहरुख खान या गौरी खान की उन्हें लेने जाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से बीच में वो अपने बेटे से मिलने आर्थर रोड जेल गए थे, वो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई थी और पूरी दुनिया ने देखी थी कि किस तरह से शाहरुख खान जो है वो एक शीशे की दीवार से ही अपने बेटे से बात कर पाए थे। तो कल का दिन इस परिवार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंग खान के परिवार के लिए, क्योंकि लगातार वो कोर्ट की हर हियरिंग पे नज़र बनाए हुए थे, और जो उनकी मैनेजर है पूजा, वो लगातार परस्यू कर रही थी इस पूरी प्रक्रिया को, ना केवल जब आर्यन खान एनसीबी की कस्टडी में थे तब उनसे लगातार वो मिलने जाती थी, या कोर्ट की जितनी भी जेरा हो रही है उस पर उनकी बारीकी से नज़र थी। तो अब लगातार शाहरुख खान, गौरी खान के लिए कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कि कल आर्यन खान अगर कोर्ट की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जैसे कि हमारी साथी रिपोर्टर हमारे बता रहे हैं, तो कल इसी मन्नत में वापस जो आर्यन खान है, जो 2 तारीख को दोपहर 2 बजे यहां से निकले थे पार्टी करने के लिए, वापस पहुंच पाएंगे। आनंद, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि कई सारे फैंस जो है मन्नत के बाहर आते थे और वो एक बड़ा पोस्टर लेकर खड़े रहते थे कि वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी जो है आर्यन खान को बेल मिल जाए, तो क्या कोई ऐसी तस्वीरें अभी वहां से देखने मिली है? कितने सारे फैंस जो है अब मन्नत के बाहर पहुंचे, क्योंकि इतनी बड़ी जो न्यूज है वो शाहरुख खान के पूरे परिवार को मिली है कि आर्यन खान को आज बेल मिल गई है। जी देखिए, कुछ लोगों से हम यहाँ पर बात करते हैं, और देखिए कई यहाँ पर लोग आए हैं, लेकिन कोई भी हमें बैनर पोस्टर वाला शख्स तो अभी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। कई लोग यहाँ पर, चूंकि देखिए सेलिब्रिटी का घर है और सबसे बड़े बादशाह खान किंग खान का घर है, तो कई लोग यहाँ पर सेल्फी खिंचाने जरूर आते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा मीडिया का जमावड़ा है, और ये भीड़ आज के मुकाबले कल और ज़्यादा होने वाली है अगर आर्यन खान कोर्ट जेल से रिहा हो जाते हैं, अगर जो कानूनी प्रक्रिया है सारी वो पूरी हो जाती है, तो कल यहाँ पर अच्छी खासी हलचल देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी यहाँ पर लोग हैं, क्योंकि लोगों के अंदर भी उत्सुकता है, जो शाहरुख खान के फैंस हैं वो लगातार यहाँ पर आते रहे हैं,
और वो इंतजार करते रहे कि कब आखिर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान हैं वो बाहर निकलेंगे। सोशल मीडिया पे कई तरह की कैंपेनिंग हुई, उनके सपोर्ट में भी कैंपेनिंग हुई कि किस तरह से शाहरुख खान के बेटे को फंसाया गया है। तो कल मन्नत के लिए, शाहरुख खान के लिए, गौरी खान के लिए काफी बड़ा दिन है। उनके बेटे की वापसी घर होगी, जो लगातार पहले एनसीबी की कस्टडी में थे और उसके बाद एक लंबा वक्त उन्होंने आर्थरेट जेल में गुजारा है। दिवाकर आपसे जानना चाहेंगे, आप लगातार हमारे साथ ऑथर रोड से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ एक हफ्ते पहले ही शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने जेल पहुंचे थे, तो क्या आपको लगता है कि कल जब उनकी बेल जेल से रिहाई होगी तब भी शाहरुख खान उन्हें जेल से लेने पहुंचेंगे? देखिए हो सकता है जाहिर तौर पर, क्योंकि जिस तरह से आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेल दी है, साफ तौर पर एक खुशी का मौका है उनके परिवार के लिए, शाहरुख खान के लिए, बादशाह खान के लिए। तो यहाँ पर सबसे अहम बात है कि लेने कौन पहुँचता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जब अगर कोर्ट का ऑर्डर जो है 10:30-11 बजे के बीच में आ जाता है तो एक घंटे के आसपास इसी आर्थर रोड जेल में पहुँच जाएगा, और आर्थर रोड जेल में पहुँचने के बाद जो प्रक्रिया होती है किसी भी आरोपी या कैदी को छोड़ने की, वहाँ ऊपर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन उस प्रक्रिया में करीब 2 घंटे का वक्त जाता है। पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो है, जो आरोपी जेल में बंद होता है उसका सिग्नेचर होता है जेलर के सामने और फिर उसको वहां से छोड़ा जाता है। तो ये प्रक्रिया अगर पूरी होते होते अगर देखें तो समय करीब 1-2 बजे के आसपास, यानी दोपहर के वक्त में आर्यन खान जो है और अरबाज मर्चेंट यहां इस जेल से छूट सकते हैं। लेकिन लेने कौन आता है आर्यन खान को, ये देखना है होगा। क्या शाहरुख खान खुद आते हैं, क्योंकि शाहरुख खान इससे पहले भी पिछले हफ्ते आए थे, आर्यन खान से उन्हें मुलाकात भी करीब 10 मिनट के आसपास हुई थी। तो ऐसे में क्या शाहरुख खान खुद आएंगे या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य आएगा? हम आपके पास वापस जुड़ेंगे, आप इसी तरीके से लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन दमेचा को जो है हाई कोर्ट से बेल मिल गई है। Ha 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 ha!